एक्चुअली क्या था ये LGBTQ क्या होता है हमने तो पता भी नहीं था। अगले ही दिन मेरे को मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी नीस ने बताया कि मासी आपको कुछ बताना है। मैंने बोला बोलो, तो वो आशीष गे है। तो मेरा तो वहां पे रोना धोना शुरू हो गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, और मैं ऑलरेडी एक डिवोर्स फेस कर रही थी उस टाइम पे। देगा। मेरे को पता था मेरी माँ टिपिकल किरण खेर है, मेरे को घर से बाहर निकाल देगी, बोलेगी मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, चलो बाहर निकलो यहाँ से। सुमित जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूं। मैं आपको बहुत हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन अभी आई थिंक थोड़ा सा और काम करने का है। तो हमारा ग्रुप है रेनबो पेरेंट्स, फिर मैं उसका पार्ट बनी। तो रेनबो पेरेंट्स में क्या है, हमारे कम्युनिटी के बच्चों के पेरेंट्स हैं हम लोग। सो जैसे ही किसी को पता चलता है स्टोरी का, तो वो इस ग्रुप में आता है। एंड देन ऑलरेडी जो पेरेंट्स हैं उस ग्रुप में, जो ऑलरेडी जर्नी कर चुके हैं, वो एक तरीके से हैंड होल्डिंग करते हैं हमारी। और बस मेरा वही एक मैसेज है जो मैंने अपनी स्पीच में भी बोला, लव देम, हग देम, किस देम, बिकॉज क्लोजेट इज नॉट द प्लेस टू बी। हेलो सिमी जी, हाय आशीष, कैसे हो आप दोनों? बढ़िया, एकदम ऑल बढ़िया। गुड। कैसा लग रहा है अभी, कैसा चल रहा है अभी, जब से आप लोग शार्क टैंक इंडिया से आए हो? यू गाइस हैव बीन द टॉक ऑफ द टाउन, तो आई थिंक हर कोई बात कर रहा है आप लोगों के बारे में। और किस तरह से लोगों के रिस्पॉन्सेज आए आपके पास, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। अमेजिंग यार, इतना मतलब बार बार मैसेजेस इतने फ्रीक्वेंटली, कभी इधर कभी उधर, लिंक्डइन पे, मेरे पर्सनल अकाउंट पे, इसके फिर भी यूनिक पे, गोइंग टू, मतलब इतना पागल हो गए हम लोग। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स एंड पीपल हैव स्टार्टेड, यू नो दे हैव स्टार्टेड कन्वेइंग, आंटी हम, मैं तो, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पे, आई वाज सिटिंग विद माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग एंड इट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट फॉर मी आल्सो। यानी सी स्टोरीज हमें अभी मैसेजेस मिल रहे हैं कि आई कांट टेल यू, हाँ फनी। सिमी जी, वैसे हैट्स ऑफ टू यू सबसे पहले तो, बिकॉज जिस थैंक तरह से आपने पूरा सब समझा, और मतलब ठीक है, हर एक को थोड़ा झटका लगता है, और जिस तरह के एक इंडियन बैकग्राउंड हम सबका जिस तरह से रहा है, जिस तरह हमारी कंडीशनिंग यू। हुई है, हम लोगों को जाहिर सी बात है टाइम लगेगा ऐसी चीजें समझने में, बट आपने समझा और उसके बाद इस तरह का कुछ इनिशिएटिव लिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू यू। आप बताओ मुझे आशीष, अभी आपको कैसा लग रहा है, कैसे चल रहा है सब कुछ? मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं, आशीष अब तो तुम सेलिब्रिटी बन गए हो, स्टार बन गए हो, हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। इतने सारे मैसेजेस हैं, मैं भूल गया हूँ कभी मैसेज रिप्लाई करना, तो उनको लग रहा है मैं खाओ खा रहा हूँ आज के। बट ऐसा नहीं है, इट्स जस्ट ओवरवेलमिंग, इतने सारे मैसेजेस साथ में, कभी एक दिन में मेरे को 150 मैसेजेस आए नहीं है। सो आई एम जस्ट ओवरवेल्म्ड एंड और समझ में नहीं आ रहा लोगों को क्या बोलूं। एवरीवन सेइंग ओह अमेजिंग जॉब, आई वाज वाचिंग इन माय फैमिली, सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज हम दोनों के लिए आई थिंक वो था, वेयर अ लॉट ऑफ पीपल टोल्ड अस दे वर वाचिंग इट विद देयर फैमिलीज एंड हाँ उन्होंने बात करना शुरू किया इस बारे में, एंड दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग, उन्हें पता नहीं था कि हम शार्क टैंक पे आने वाले हैं, वो रेगुलरली शार्क देखते हैं, और सडनली जब हम आ गए एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द एलजीबीटी कम्युनिटी, काफी लोगों ने तब अपने पेरेंट्स को बताया, दैट वाज रियली इमोशनल फॉर अस। And that was the whole idea to bring these topics into the daily households through the mainstream, जो I think अभी काफी अच्छे से कर लिया। अच्छा, अभी तो आपके साथ में आपकी मॉम है, और बिल्कुल एक हाथ से हाथ मिला के चल रही है, बट वो कब कैसा मोमेंट था जब आपने डिसाइड किया फाइनली कि बताना है? हाउ वाज इट, एंड कब रियलाइज हुआ कि अब बात करनी है? ये तो मुझे वैसे भी नहीं बताता बिल्कुल, अगर मुझे एक्सीडेंटली ना पता चलता। अच्छा, मेरा कभी ओ प्लान नहीं था बता देगा, मेरे को पता था मेरी माँ टिपिकल किरण खेर है, मेरे को घर से बाहर निकाल देगी, बोलेगी मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा, चलो बाहर निकलो यहाँ से। सो आई हाँ वाज श्योर दैट आई विल नॉट टेल हर, बट एक्चुअली जब उनको, उनकी बड़ी बहन के थ्रू, मेरी कजन सिस्टर के थ्रू पता चला, तो ऑब्वियसली तभी भी थोड़ा ड्रामा हुआ, उन्होंने बोला कि नहीं मेरे घर में नहीं चलेगा, उन्होंने बात नहीं की मुझसे काफी टाइम, हाँ ड्रामा। तो ऑब्वियसली आई थिंक आई वी ऑल्सो नीड टू गिव पेरेंट्स द टाइम टू अंडरस्टैंड, उन्हें भी नहीं पता होता है कि क्या होता है ये सब, नॉर्मल है क्या, एंड दे हैव सम बायसेस इन देयर हेड, दे हैव सम परसेप्शंस अबाउट द एलजीबीटी कम्युनिटी, तो टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ दैट, टू स्टडी ऑन देयर ओन, उनको थोड़ा टाइम देने की जरूरत है। तो आई थिंक वो 4-6 महीने जब उन्होंने बात नहीं की, आई थिंक दैट वाज अ गुड टाइम फॉर हर टू लर्न, फॉर हर टू स्टडी, फॉर मी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो दैट आई नीड टू गिव हर टाइम। मैं ऐसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आज मैं उनको बताऊँ और कल वो मेरी एलाय बन जाए। या दैट्स ट्रू। It takes time. या सिमी जी, आप मुझे बताओ कि आपको किसने हेल्प किया ये चीज समझने के लिए, और कि
यू नो एक्सेप्ट करने के लिए सबसे बड़ी बात. एक्चुअली क्या था ये LGBTQ क्या होता है हमने तो पता भी नहीं था. हाँ मुझे मैंने तो बहुत ही कम सुना था ये. आई एम टॉकिंग अबाउट 2016 15 16 की बात है. तो जब ये डांस वांस लगा ना तो मेरे को बड़े अजीब सा लगा. फेमिनिन से इसके मूव थे तो मैं बड़ी अपसेट सी थी. बट ठीक है चलती फिरती बात हो गई. अगले ही दिन मेरे को मेरी बड़ी सिस्टर और मेरी नीस ने बताया कि मासी आपको कुछ बताना है. मैंने बोला बोलो. तो वो आशीष गे है. तो मेरा तो वहां पे रोना धोना शुरू हो गया. ये कैसे हो गया वो कैसे हो गया. और मैं ऑलरेडी एक डिवोर्स फेस कर रही थी उस टाइम पे. ऑलरेडी मेंटल ट्रॉमा बहुत चल रहा था. तो ऐसा लगता था कि हाय भगवान मुझे ही क्यों मैं ही क्यों. हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते थे. लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट करने में मुझे तकरीबन 2 साल लग गए. फाइनली ये क्या करता था ये अपने प्राइड परेड सोशल मीडिया पे डाल देता था. मैं आज यहाँ गया मैं आज वहां गया. पूना में बड़ी प्राइड परेड्स करता था. मुझे बड़ा अजीब लगता था बिकॉज मैं इसके साथ फेसबुक पे कनेक्टेड थी. तो मैंने इसको फेसबुक से भी ब्लॉक कर दिया. मैंने बोला अब तू अगर भेजेगा तो मेरे सारी कम्युनिटी मेरे लोगों को मेरी फैमिली फ्रेंड्स को पता चल जाएगा. तो मैं उनको क्या जवाब दूंगी. उस चीज से मुझे बड़ा डर लगता था. और दूसरा ये होता था कि मुझे लगता था कि अपनी कंपनी में ना बता दे किसी को या इसको कंपनी वाले ही ना निकाल दे कहीं पे. दिमाग में ये भी था कि ऐसा इसको बात नहीं करनी चाहिए किसी से या किसी के साथ में शेयर भी नहीं करना चाहिए. इतनी घबराई हुई थी मैं उसके अंदर. लेकिन जब हमने बातचीत बंद हुई तो फिर इसके कुछ फ्रेंड्स ने पूना से मुझे मैसेजेस करने शुरू किए. मुझे कॉल किया कि आंटी आशीष आपको बहुत मिस करता है आप जरूर उससे बात करो. फिर धीरे धीरे कहा कि नहीं यार ऑलरेडी डिवोर्स चल रहा है हस्बैंड से. तो मतलब डिवोर्स हो गया तो बच्चों को अपने पास बच्चों के साथ तो कम से कम मैं वो बॉन्डिंग रखूं. फिर मैंने इसको फोन किया. देन वी टॉक्ड अ लॉट. फिर धीरे धीरे मेरे बड़े बेटे ने मुझे बहुत एजुकेट किया. उसने मेरे को बहुत आर्टिकल्स भेजे वीडियो भेजे आर्टिकल्स भेजे. फिर मैं वो एक हमारा ग्रुप है रेनबो पेरेंट्स. फिर मैं उसका पार्ट बनी. तो रेनबो पेरेंट्स में क्या है हमारे कम्युनिटी के बच्चों के पेरेंट्स हैं हम लोग. सो जैसे किसी को पता चलता है स्टोरी का तो वो इस ग्रुप में आता है. एंड देन ऑलरेडी जो पेरेंट्स हैं उस ग्रुप में जो ऑलरेडी जर्नी कर चुके हैं वो एक तरीके से हैंड होल्डिंग करते हैं हमारी. अच्छा ओके तो क्योंकि अब जैसे यहाँ पे तो गे है कई ट्रांस हैं. आई कुड नॉट इमेजिन लाइक जो अभी चल रहा था कुछ दिन पहले 10 11 साल का बच्चा है और जी उसके अंदर में क्या हो रहा है चेंजेस. वो मदर कैसे फेस कर रही है. तो ऐसी मतलब हार्ट ऐसा दिल टूटता है ना जब हम उनको देखते हैं उनकी स्टडी करते हैं. फिर देन वी टेल कि नहीं एवरीथिंग इज फाइन हमको बच्चों को सपोर्ट करना है. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मतलब जो ग्रुप है ना रेनबो पेरेंट्स दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब. सो दीज काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम अगर किसी को मिल जाए ना सो देन द जर्नी बिकम्स इजियर. या दैट्स ट्रू दैट्स दैट ट्रू. इज इम्पोर्टेंट. बट ड्यूनिक का आइडिया कैसे आया? मतलब ये बिकॉज एक्सेप्ट करना और घर में ही समझना और यू नो रिश्तेदारी में सबको हैंडल करना अलग बात है, बट गोइंग हाँ ऑल आउट ड्यूनिक जैसा कॉन्सेप्ट लेकर आना, ये आइडिया किसके दिमाग में और कैसे एग्जीक्यूट किया? इसको एक्चुअली ना अपने हील्स वाले शूज चाहिए थे ड्रैग परफॉर्मेंस के लिए. अब ये ड्रैग भी करने लग गया उस टाइम पे. मुझे शुरू शुरू में तो थोड़ा ऑड लगा लेकिन फिर ठीक है देन आई एक्सेप्टेड. वो मैंने पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया एंड देन आई हैड दैट स्पीच ऑन द टॉपिक एंड देन आई सेंसिटाइज्ड माय सेल्फ. उसके बाद आई वाज वर्किंग इन अ फुटवेयर इंडस्ट्री. तो इसने मुझे बोला कि मामा मुझे ना हील्स नहीं मिलते हैं मेंस हील्स विद मेंस शूज विद हील्स. तो मैंने मेरे दिमाग में आया कि यार अच्छी चीज है ये अभी तक किसी ने ऐसे एक्सप्लोर नहीं किया है चलो इसको करके देखते हैं. तो मैंने उसके ऊपर में फिर थोड़ा मैन्युफैक्चरर से बात करनी शुरू की. उन्होंने भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया कि हाँ मैडम ये कर सकते हैं डूएबल है. तो हम लोगों ने फिर ना हील्स बनाने शुरू की. सो वी मेड पॉइंटेड हील्स ब्लॉक हील्स वेजेस. हमने 8 10 डिजाइन डाले और हमने वेबसाइट पे अपलोड किए. तो कुछ डिजाइन जो थे वो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिए कुछ इन्फ्लुएंसर्स को कुछ इसके फ्रेंड्स को कि आप डाल के देखो ये कैसा है. दे स्टार्टेड रेनबो शूज जो हमने 2000 में किए थे दे आर द स्टार परफॉर्मर्स अभी भी. दे आर लाइक्ड बाय एवरीबडी. तो जब ये अब 8 10 शूज लेके वेबसाइट पे जाओगे तो कोई आएगा नहीं बिकॉज सब लोग वैरायटी मांगेंगे. तो वॉट टू डू.
फिर ये लोगों ने एक इवेंट अटेंड किया था बैंगलोर में, तो बैंगलोर में देखा कि बहुत सारी कम्युनिटी के लोग वहां पे अपने अपने प्रोडक्ट्स लेके खड़े हुए थे एंड दे वर सेलिंग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम माउथ टू माउथ से सेलिंग हो रही थी। तब फिर हमने उसको पिवट किया मार्केट प्लेस में। ओके बट अभी आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं इस ई कॉमर्स वेबसाइट पर, या फिर क्या स्टेटस है अभी? अभी भी अभी 27 ऑन्टरप्रेनर्स, 27-28 लोग हैं मिलकर जो अपने सारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट पर सेल कर रहे हैं। एंड अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत अच्छा, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग। ऑल्सो एक तो आई थिंक 3-4 लाख रुपीज का बिजनेस उसे सिर्फ हमसे मिला है जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स ऑन आवर वेबसाइट एंड ही कीप्स थैंकिंग अस कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा था मेरा ब्रांड इतना चलेगा, आप लोग ही वैसे मुझे इतने सेल्स मिल रहे हैं। तो वो काफी विजिटेबल था हमारे वेबसाइट पे आके। हाँ ओ, बट इज दिस द फर्स्ट वन इन इंडिया जो इस तरह का प्लेटफॉर्म आया है? एक दो और छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं, आई डोंट थिंक हमारे लेवल पे जब हम लोग कर रहे हैं उस लेवल तक नहीं पहुंचे होंगे, बट या देयर आर वन टू स्मॉलर वंस ऑफ देम। बट अच्छा बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि हम लोग सिर्फ सेलिंग नहीं कर रहे हैं, इट इज नॉट द ओनली द मार्केट प्लेस, इट इज बेसिकली अ कम्युनिटी विच वी आर बिल्डिंग, सो या दैट इट मेक्स अस अ डिफरेंशिएटर विद अदर्स, बिकॉज हम लोग दुख दर्द में भी साथ हैं, मतलब हर पेन जो हम खुद सहन कर चुके हैं बोथ ऑफ अस, सो इट्स अ पार्ट ऑफ आर जर्नी नाउ, तो वो सबके साथ हम लोग वो पेन को कनेक्ट करते हैं, हम लोग रिलेट कर पाते हैं, और इसके जो हमारे जो क्रिएटर्स हैं वो मुझे भी एक मदर टाइप्स जो समझते हैं, सो दे आर वेरी ओपन विद मी ऑल्सो कि आंटी ऐसा हो गया, आंटी मेरे पेरेंट्स को अच्छा एक कुछ मेरी मम्मी से बात करिए, देन आई टॉक टू हर मॉम हिज मॉम ऑल्सो, सो इस तरीके की जो कनेक्शंस होते हैं ना दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। लेकिन शार्क टैंक की अगर मैं बात करूं तो शार्क टैंक में जाने का आइडिया किसका था, एंड हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस? सो शार्क टैंक में मेरे बड़े बेटे का आइडिया था, वो एक्सप्लोर करता रहता है वो शार्क टैंक, हम 2019 मेरे ख्याल से इससे पहले वाले 21 में भी हम लोग गए थे, लेकिन अच्छा वो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, लेकिन फाइनल सिलेक्शन हमारा हो नहीं पाया था क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा थी, तो हमें उन्होंने लिखा था कि माई वी मे कंसिडर यू नेक्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर हम लोगों ने दिल्ली में दिया था ऑडिशन एंड वी क्लियर दैट ऑल्सो, लेकिन उसके अच्छा बाद में इंटीमेशन नहीं, जब लास्ट ईयर जब हुआ तो फिर मेरे बेटे ने ही भरा भरा कि नहीं अब दोबारा भरेंगे, देन वी गॉट द क्लियरेंस, हम लोगों को फर्स्ट इंटरव्यू हम लोगों ने यहाँ पे क्लियर किया, और वही टीम थी जो लास्ट ईयर भी थी, और उसमें से 2-3 लोग थे, तो दे कुड रिलेट दैट, और तब तक हम अच्छे लेवल पे भी आ गए थे। फिर उसके बाद जब वो रोज धुक धुक हो रही थी कि हाय कब आएगा, हाय बुलावा कब आएगा, यानी व्हेन विल बी गोइंग टू मुंबई, इतनी एक्साइटमेंट, सो वी कंप्लीटेड द फर्स्ट राउंड इन आई थिंक जून जून जुलाई, एंड हमारा जो सेकेंड राउंड मुंबई में था दैट वॉज ऑन 1st of September, 1st से 5th सितंबर, अच्छा और वो हमें मिला बहुत शॉर्ट नोटिस पे, आई थिंक वी हैड 10-12 डेज टाइम ओनली, और उस टाइम पे माई मदर वॉज वेरी क्रिटिकल, तो हम यही सोचे जा रहे थे कि हाय कैसे जाएंगे कैसे करेंगे, बट देन एवरीथिंग हैपेंड, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की एंड ऑल एक्साइटेड वी वेंट टू मुंबई, द 4-5 दिन वर अमेजिंग, मतलब इतना मजा आया वहां पे, इतनी जबरदस्त शार्क टैंक की टीम, अभी हम स्क्रिप्ट ऐसी होगी तो स्क्रिप्ट को ऐसे याद करो और उसके अंदर में अपने एक्सप्रेशंस ऐसे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, इट बिकम वेरी सही नेचुरल, और मुझे आदत ही नहीं थी इसकी। बात है, कैसे होगी आदत। बट जो आप बात कर रहे हो, जैसे जो पिच आप लोग देते हो, जो पिचर्स पिच देते हैं, तो क्या वो पिच आप लोग खुद प्रिपेयर करते हो या फिर वो लोग आपकी हेल्प करते हैं? तो हम एक पिच प्रिपेयर करके गए थे, उन्होंने थोड़े बहुत एडिट्स किए, उन्होंने बोला कि हमने फर्स्ट सीजन देखा है, हमें पता है कैसे पिचेस वर्क करेंगी, क्या वर्क नहीं करता है। सो देयर सम एडिट्स, उन्होंने बोला दिस इज व्हाट वी थिंक विल वर्क। अगर आपको लगता है कि अभी भी आपके ब्रांड के इट्स स्टिकिंग टू योर ब्रांड की इट इज नॉट चेंजिंग द मैसेज, तो आप ये सेम पिच यूज करें, वरना आप जो आप खुद प्रिपेयर करके लाए यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ऐसे कुछ कंपल्सरी नहीं था कि जो उन्होंने हमें दिया है वी हैव टू फॉलो दैट। तो पर उन्होंने बहुत सबसे हेल्प वो किया, उन्होंने किसका बहुत था, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा किया। अच्छा रिएक्शन किसका था सारे शार्क्स में से? बिकॉज जो हम लोगों को टीवी पर ऑफ कोर्स दिखाया जाता है
तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो पूरा तो नहीं दिखा पाएंगे, है नहीं होता। ना। सबसे अच्छा इम्प्रेशन था अनुपम मित्तल का, बाय गॉड। मैं तो हैरान हूँ क्योंकि उन्होंने दिखाया क्यों नहीं। वो अनुपम मित्तल वॉज वेरी वेरी लविंगली उन्होंने बोला कि सिमी जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपकी कैसे हेल्प करूं, मैं आपको बहुत हेल्प करना चाहता हूँ लेकिन अभी आई थिंक थोड़ा सा और काम करने का है, और लेकिन मैं आपको जरूर करूंगा। एंड जब पीयूष मित्तल का इसने हमने रिजेक्ट किया ऑफर, तो उससे पहले हम लोग खड़े थे तो मैंने उनको बोला सर मैं हम बहुत धर्म संकट में पड़े हुए इस टाइम पे, कि एक तरफ तो इसकी जॉब छोड़नी है, इसको जॉब छोड़ के फिर हमें बिजनेस मॉडल चेंज करना है, हाँ, दैट टेक्स लॉट ऑफ करेज बिकॉज 2 साल हमने हाँ, इस पे काम किया है। आज मैं अपने क्रिएटर्स को बोल दूं कि नहीं तुम B2C पे काम करो, थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट है। तो अनुपम सर ने मुझे बोला कि सिमी जी आप वही करो जो आपका दिल चाहता है, मतलब नहीं तो नॉर्मली हर एक पिच में हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, देखो इतनी अच्छी डील मिल गई है, यू शुड गो फॉर दैट डील। तो सबसे पहले अनुपम सर ने बोला कि नहीं सिमी जी आप वही काम करो जो आपका दिल चाहता है। तो मैंने बोला सर फिर तो हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। एंड देन फिर पीयूष सेठ की नहीं कोई बात नहीं, इसमें डिसअपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं है, फाइन। और फिर नमिता और विनीता उन सब ने आके हग किया, मुझे इतना अच्छा लगा कि पांचों जो शार्क्स ने आके हमें हग किया, दैट मेड द डे आई थिंक। अच्छा ऐसे भी कभी वो प्रेशर फील होता है वहां पर जब आप होते हो, बिकॉज एक लिमिटेड टाइम पीरियड है वहां पर आपके पास चीजें डिसाइड करने के लिए, तो ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई गलती ना करते। अब जैसे जो भी पिक्चर जा रहा है तो उसके माइंड में कोई एक नंबर है कि मेरे को इतना ही चाहिए इन्वेस्टमेंट फॉर एग्जाम्पल। बहुत बार नहीं होती, आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। अब आपके वाले केस में आपको मिली डील लेकिन आप उसको एक्सेप्ट आपने एक्सेप्ट नहीं किया, आपने रिजेक्ट किया और जिस भी रीजन से किया, बट ऐसा लगता है बाद में कि कहीं ना कि बाद में हम रिग्रेट करेंगे यार ये तो मिली थी मेरे और दिमाग में भी था ये एग्जैक्टली यार बाद एंड शी वांटेड टू में। टेक दी ऑफर। जब एज एक्चुअली जब पीयूष का ऑफर आया था हम पीछे गए थे बात करने, हमने डिस्कस किया, हमने काउंटर ऑफर दिया, उन्होंने काउंटर ऑफर दिया, हम फिर से पीछे गए डिस्कस करने, वो सब उन्होंने कट कर दिया था। बट वही 2 बार आगे पीछे हुआ एंड शी वॉज रेडी, शी लाइक चलो ले लेते हैं 25 लाख रुपए, 25%, आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑफर। बट फिर मुझे वही लगा कि इट्स अ ग्रेट ऑफर बिकॉज हम जल्दी जल्दी में डिसाइड कर रहे हैं, या हमें आराम से सोचना चाहिए कि 25 लाख रुपए के लिए हम 1/4 ऑफ द कंपनी उसको दे रहे हैं, वुड इट बी वर्थ इट, एंड 25% इज अ बिग नंबर। तो इसलिए बहुत सोचा पीछे रह के, हमने हमारे 4 पार्टनर को कॉल किया पीछे से एंड हमने उससे भी पूछा कि व्हाट डू यू थिंक, शुड वी टेक इट, उसने भी मना किया, आल्सो व्हाट डिड नॉट वांट टू टेक इट, ही आल्सो डिड नॉट वांट टू टेक इट, सो द थ्री ऑफ अस वर लाइक ओके लेट्स से नो, तब जाके हमने मना किया। बट मतलब 1.5 घंटा हम लोग वहां पे थे, ऐसा चुटकी में निकल गए 1.5 घंटे, और बाहर आके ऐसा लगा जैसे अरे हम इतनी जल्दी से हो भी गया, ऐसा अजीब सा था। और मतलब उसके बाद हम सब ऐसे बिल्कुल दिमाग से निकल गया कि अच्छा हमने इस टाइम पे क्या बोला था, ऐसा क्यों हुआ था, व्हाई डिड वी डू दैट, नो सम रैशनलाइजेशन की वाज इट अ रैशनल डिसीजन। तो हम खुद ही नो तो मैं विशेष माय एल्डर सन ही वाज सेइंग नहीं नहीं मम्मा हमने बहुत अच्छा किया, बट इससे ये एक जरूर एक पता चल गया कि हमारा जो आइडिया है दैट इज वैलिडेटेड, है ना, इट इज अ गुड बिजनेस मॉडल। ये भी हमें कंफर्म हो गया बिकॉज हम अभी भी डाउट्स में थे कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, आर वी ऑन द राइट ट्रैक, और दिस वी वांटेड टू उसके सी। बाद कई लोगों ने ऐसा आपको बोला आकर कि यू नो यू डिड द राइट थिंग देयर, ऐसा भी हुआ होगा आई एम प्रीटी श्योर। और बहुत से लोग ऐसा भी कि कई सारे क्रिएटर्स ऑन बोर्ड आए हैं। सो काफी लोगों ने, हमने एक पोल किया, शुड वी हैव एक्सेप्टेड पीयूष ऑफर, 50% सेड यस, 50% सो लाइक ओके, तो हम सब वी हैव नो आइडिया इफ इट वाज द राइट डिसीजन और नॉट द राइट डिसीजन, वी स्टिल डोंट नो, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल फील वी शुड हैव टेकन द ऑफर, अ लॉट ऑफ पीपल स्टिल फील वी शुड हैव टेकन द ऑफर, बट लोगों के मैसेजेस ऑब्वियसली आ रहे हैं, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट इंक्वायरीज की, सो नाउ वी हायर करने हैं LGBTQ पीपल, व्हाट डू यू डू, कैन यू हेल्प अस, दो तीन वेंडर्स ही और आए हैं, दे वर लाइक हमने आपका शो देखा, कैन वी ऑल्सो कम ऑन बोर्ड, सो आई थिंक दे विल बी ऑन बोर्डेड इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। बट सिमी जी लास्ट में आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगी कि आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने अभी तक आपका एपिसोड नहीं देखा है और जिनको पूरी जर्नी के बारे में नहीं पता है, तो उन मॉम्स को स्पेशली क्या कहना चाहोगे? बिकॉज धीरे धीरे ही सही, स्पेशली अर्बन एरियाज में, अर्बन इंडिया में अब थोड़ा थोड़ा लोग खुल रहे हैं, चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं एंड यू नो मोटिवेट कर रहे हैं एक दूसरे को। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है और जो लोग अभी भी अपने को एक
स्मॉल से बबल में, यू नो, उनका थॉट वैसा है, थॉट प्रोसेस वैसा है, मेंटालिटी वैसी है, उनको क्या बोलोगे? अब बस मेरा वही एक मैसेज है जो मैंने अपनी स्पीच में भी बोला, लव देम, हग देम, किस देम, बिकॉज क्लोजेट इज नॉट द प्लेस टू बी। सो जो ये क्लोजेट में, हम एक्चुअली खुद भी क्लोजेट में ही होते हैं, हम किसी से बात नहीं करते हैं, हम अपने अंदर में सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं। सो जब तक हम पहले अपने आप को सेंसिटाइज नहीं करेंगे, हम दूसरे को क्या बोल सकते हैं? या सबसे पहले हमें अपने आप को सेंसिटाइज करना है, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना है। या बच्चे तो अपने ही है, खुद अपना ही है, और इन्होंने इतना वो सब देखा हुआ है ऑलरेडी। बाद में इसने मुझे सब बताया, स्कूल की जर्नी ऐसे ऐसे हो रहा था और हमें कुछ पता ही नहीं था। यू नो व्हेन अ चाइल्ड इज स्मॉल, उस टाइम पे तो उनके अंदर में क्या इमोशनल चेंजेस हो रहे हैं, जब पेरेंट सुनेगा नहीं तो वो रिलेट कैसे कर पाएगा, वो किससे बात करेगा ना? तो फिर वो बाहर जाएगा, फिर वो दोस्तों को बताएगा। तो इससे अच्छा इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम। सो फर्स्ट यू हैव टू बी ओपन विद योर सेल्फ, विद घर के अंदर में ऐसा एटमॉस्फेयर माहौल होना चाहिए कि बच्चे को कंफर्टेबल हो पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने में। और अब तो हम इतने ओपन हो चुके हैं, ये अपने बॉयफ्रेंड के पास जाता है तो मुझे बता के जाता है, अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। मम्मा डेट पे जा रहा हूँ। मैंने बोला हाँ अच्छा, अभी बॉयफ्रेंड है तो वो ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, एंड वो भी मेरे से बात करता है, मैं भी उससे बात करती हूँ। सो यू नो इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई, वी आर जस्ट फ्रेंड्स नाउ। वो एक माँ बेटे का ऐसा जो रिश्ता था वो अभी एक फ्रेंडशिप में बन गया, इट इज मोर अबाउट दैट फ्रेंडशिप बॉन्ड व्हिच वी हैव। सो आई इट थिंक टेक्स दैट्स टाइम, दैट्स इंपॉर्टेंट आल्सो समवेयर, या दैट्स इंपॉर्टेंट। तो अब इसको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है कि कोई हम गलत काम नहीं कर रहे, ना ये कुछ गलत कर रहा है ना मैं कुछ कर रही। तो अब वो एक जो बॉन्डिंग होनी थी वो बहुत अच्छी जम चुकी है। सो चलो दिस बहुत इज बढ़िया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया है लोगों को, एंड आई रियली होप कि ये मैसेज से लोग समझे, सीखे तो बात की बात है, बट एटलीस्ट इस मैसेज को पहले समझे अच्छे से एंड देन आगे बढ़े लाइफ में। और सबसे बड़ी बात है कि आई थिंक राइट नाउ इज द टाइम फॉर एंटरप्रेन्योर्स, और हर एक को मौका मिलना चाहिए आगे आने का और यू नो काम करने का। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट, बिल्कुल वेरी बिल्कुल। इम्पोर्टेंट। एक्चुअली क्या है, एक बार फाइनेंशियल स्ट्रेंथ मिल जाएगी ना तो सारे लोग खुश हो जाएंगे, कोई बोल नहीं सकेगा तुम्हारे सामने। सो दैट इज व्हाट वी वांट, चाहे वो हायरिंग हो, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। और एक बार हाथ में पैसा आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगी, किसी की आवाज नहीं निकलेगी। That's true. But all the very best to both of you. चाहे डील नहीं मिली, चाहे ऑफर नहीं मिला, लेकिन बहुत लोगों आपको एनकरेज कर रहे हैं और बहुत सारे लोग आपके साथ ऑन बोर्ड आना चाह रहे हैं, सबने आपके आइडिया को पसंद बहुत किया है। सो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट एंड आई रियली विश यू बोथ ऑल द वेरी बेस्ट। सो दिस विल बी टेलीकास्ट और इज इट फॉर योर इंटरनल? नहीं, ऑफ कोर्स इट विल बी टेलीकास्टेड, अच्छा 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 इट्स ठीक है, गोना टेलीकास्ट ऑन एबीपी डिजिटल, एबीपी लाइव एंड एंटरटेनमेंट लाइव। ओके ओके, थैंक यू सो मच, बट थैंक यू सो थैंक मच फॉर योर टाइम टुडे, इट वॉज लवली चैटिंग विद यू बोथ। थैंक यू, यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय।